जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष एक ज्योतिष का जो राशि भविष्य का क्रम चल रहा है वो साप्ताहिक रूप में या मासिक रूप में होता है, किंतु आज मैं ये संधि काल में एक ऐसा प्रसंग उपस्थित कर रहा हूँ जो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और भविष्य में अगर नोट कर सकें तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, तो आप अपने घर का जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्वयं आप अपने घर का मिलान स्वयं कर सकते हैं। मैं उसके पूर्व आज मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, इससे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दर्शाता रहूँगा। जो जितने भी आप चैनल देख रहे हैं, मैं आपको एक गहराई की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ और गहराई की चीज़ बताऊँगा, उनसे आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो किसी ने ना बताई ना बता सकेगा। मैं गारंटी ये दे रहा हूँ, अभिमान के साथ नहीं स्वाभिमान के साथ, क्योंकि मैं खोज करता रहता हूँ हमेशा। ग्रंथ लिखे हैं मैंने, तो उनमें खोज करके लिखे हैं, कोई ऐसे गोड़ छाप ग्रंथ नहीं है। और मैं आपको दर्शा रहा हूँ मिलान, आप अपनी राशि से दूसरी राशि का मिलान कैसा होता है, उस राशि वाले से आपके मधुर संबंध कैसे रहेंगे, क्या और क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। दूसरा, कन्या के लड़का या लड़की हो आपके घर में, उसका मिलान आप स्वयं ही कर सकते हैं। उसका मिलान के लिए मैं आप इसलिए कह रहा हूँ, पांच कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आप स्वयं मिलान कर सकते हैं। मैं प्रत्येक राशि वालों का मैं दर्शा रहा हूँ। आज मैं मेष राशि से प्रारंभ करता हूँ। मेष राशि वालों को, जिसकी मेष राशि हो, उससे किस किस का मिलान अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, किससे बुरा रहेगा वो बताता हूँ। मिलान में आठ कूट देखे जाते हैं। एक तो सबसे पहले तो राशि देखी जाती है, उसके पश्चात उसका जो है वर्ण देखा जाता है, और दूसरा देखा जाता है वस्त्र देखा जाता है, वर्ण देखा जाता है, वस्त्र देखा जाता है दूसरा। तीसरा जो है वो तारा देखे जाते हैं, और चौथा योनि देखी जाती है, पांचवें ग्रहमैत्री देखी जाती है, छठवें गणमैत्री देखी जाती है, सातवें भकुट देखा जा रहा, आठवां नाड़ी दोष देखा जाता है। आठ प्रकार से मिलान जो होता है उसमें राशि, ग्रहमैत्री और भकुट, अगर आपके ये मिल गए हैं तो कुछ ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा मिलान माना जाता है वो, क्योंकि विचारों का और सिद्धांतों को जो मिलान है वो राशि के भकूट से होता है, राशि कूट से होता है, और ग्रह मैत्री से उनका मधुर प्रेम संबंध। और अगर ये दोनों में से एक चीज़ नहीं मिली है, ग्रह मैत्री नहीं मिली है, तो आपका कितना ही अच्छे 28 गुण भी मिल रहे हों तो भी आपका मिलान ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ये राशि का जो मिलान है, केवल पति पत्नी का ही मिलान नहीं होता है, नौकर का और मालिक का भी होता है, आपके मित्र से मित्र का भी होता है, यानी प्रत्येक व्यवहार में जितने प्राणी हमारे रिश्ते में हैं, व्यवहार में हैं, इन सब का मिलान कर होता है, और उसी से उसके गुण मिलते हैं, तभी उससे प्रेम रहता है। अपने साथ में कितने लोग हमारे इष्ट मित्र होते हैं, लेकिन मधुर संबंध कुछ एक दो से ही होता है, असली मित्र तो एक दो ही होते हैं। तो वो मैं आपको ऐसा दर्शा रहा हूँ, वो ऐसा समझ कर व्यवहार भी कर सकते हैं और अपने पति पत्नी का बाप आपस में मिलान भी कर सकते हैं। तो मेष राशि से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मेष राशि वाला व्यक्ति है कोई तो मेष राशि से मेष राशि का मिलान बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक अक्षर और एक ही मात्रा रहेगी तो नहीं होगा। वही नक्षत्र हुआ, वही नक्षत्र के चरण हुआ तो नहीं होगा। तो एक राशि सदा सुखी, तो दोनों अगर एक राशि के हैं तो विचार करने की जरूरत है, बहुत अच्छा मिलान माना जाता है, क्योंकि भकूट भी मिल जाता है और ग्रह मैत्री भी मिल जाती है। दूसरा वृषभ राशि का
और मेष राशि से क्या संबंध होगा। अब मेष से और वृषभ का जो संबंध है, द्विद्वादशेतु दारिद्रम, दो बारह का मिलान होता है, ये मिलान ठीक नहीं है। ये मध्यम श्रेणी का ये 60% का मिलान होता है, मेष से मेष का तो 100% होता है और ये 60% का मिलान है, क्योंकि इसमें भकूट नहीं मिलता है, लेकिन ग्रह मैत्री भी पूरी नहीं मिलती है लेकिन थोड़ी सी मिलती है, तो 60% का मिलान ही इसको कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा मिलान नहीं, क्योंकि इसमें विकास क्रम में बाधा आती है। तो द्विद्वादश जो होता है दरिद्रता का सूचक है, इसलिए मिलान ठीक नहीं है। तीसरा है मेष राशि से मिथुन राशि का मिलान, बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मेष से और मिथुन का, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मिथुन का स्वामी बुध होता है, बुध और मंगल ये दोनों परम शत्रु हैं, आपस में झगड़ा करने वाले होते हैं, इसलिए इनका मिलान भी ठीक नहीं है। हाँ, इनका आधा मिलान ठीक है, भकूट का मिलान ठीक होता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं माना जाता। तो मेष का और मिथुन का मिलान ठीक नहीं है। उसके पश्चात चलते हैं, क्यों ग्रह मैत्री भी नहीं होती है, केवल भकूट मिल रहा है, लेकिन दोनों मिलना चाहिए, सब अच्छे से अच्छा मिलान भकूट और ग्रह मैत्री मिलने से ही होती है। मध्यम श्रेणी का ये कहा जा सकता है, यानी ये भी 60% का मिलान कहा जा सकता है। उसके पश्चात और एक बताए तो 80% से कम मिलान में विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा है कर्क का और ये मेष का, मेष से कर्क का मिलान कैसा है, बहुत अच्छा मधुर मिलान होता है, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल होता है और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, तो मेष यानी चंद्रमा और मंगल परम मित्र हैं और दोनों को मिलकर महालक्ष्मी योग बनता है, तो अगर ये मिलान में अगर विवाह होता है, मेष का एक लड़का या लड़की मेष की हो या लड़का और लड़की कर्क की हो, तो मिलान बहुत शुभ होता है राशि से, क्योंकि ये दोनों चंद्रमा और मंगल का मिलान है और इसमें महालक्ष्मी योग बनता है, इसमें धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे होते हैं, इनके गृह जीवन सुखद और सुंदर बनता है, भकूट भी इसमें मिलता है, 4 और 10 का भकूट होता है और गृह मैत्री भी होती है, ये मिलान विशेष शुभ होता है। और धनु का सिंह का, सिंह राशि से मेष का मिलान कैसा है, सिंह राशि से मेष का मिलान ठीक नहीं माना जाता, सिंह राशि से मेष का मिलान इसलिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है वो भी ठीक है और मेष का मंगल है ये भी ठीक है, दोनों ग्रह मैत्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन भकूट इसमें नहीं मिलता। हाँ, इस शर्त में माना जाता है कि लड़का अगर यदि मेष राशि का है और लड़की अगर सिंह राशि की है तब तो नवम पंचम बहुत अच्छा है भकूट, लेकिन लड़की अगर मेष राशि की है और लड़का धनु सिंह राशि का है तो नौ पंचम उल्टा होता है, नौ में पंच में कली कलह का वातावरण बनता है। एक कि अगर ऐसा मिलान होता है, लड़की अगर मेष राशि की है और लड़का अगर यदि सिंह राशि का है तो मिलान ठीक नहीं, और सिंह राशि की लड़की है और मेष राशि का लड़का है तो मिलान ठीक इसलिए है कि नौ पंचम ये भी है और पंचम नवम वो भी है, दोनों होता है, लेकिन इसमें इसलिए ठीक है वरस पंचमा कन्या कन्या या नवमे भरा एतत्त्रिकोणकम् ग्राह्यम् पुत्र पौत्र सुखावहा। लड़का से लड़की पांचवी होती है, ये पुत्र पौत्र आदि के लिए सुखकारक है और ये शुभ माना जाता है, और अगर ये उल्टा होता है तो एक के माता को कष्ट होता है, एक के पिता को कष्ट होता है, अगर नौ पंचम उल्टा हुआ तो सिंह राशि वाले से इस प्रकार का मिलान माना जाता है। सिंह के बाद कन्या आई, कन्या से मेष का मिलान बिल्कुल ठीक नहीं, खड़ाटके भवेत मृत्यु, यानी खड़ाटक होता है 6-8वां, लड़का से लड़की या लड़की से लड़का 6-6वां होता है, तो मेष मिथुन करक सिंह और कन्या ये 6वां हुआ और यहाँ से ये 8वां हुआ, इसलिए इसको खड़ाटक बोलते हैं, सड़ाटका, सड़ाटके भवेत मृत्यु, इसमें संबंधों की मृत्यु होती है, यानी संबंध टूट जाते हैं, इसलिए ये मिलान ठीक नहीं है। कन्या राशि और मेष राशि का मिलान बिल्कुल अशुभ होता है, मित्र हो चाहे आपका
नौकर हो, चाहे आपका पत्नी हो या पति हो, जो भी व्यवहार में आपके आते हैं, तो उनका मिलान ठीक नहीं, विचारों का मिलान भी ठीक नहीं होता, खड़ाटक होता है, इनमें विवाद हमेशा बना रहता है। उसके बाद आज तुला राशि का भकूट सम सप्तक होता है, ये भी ठीक होता है, ये 80% का मिलान है, इसका भी ठीक माना जा सकता है, ये किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, राशि के मिलान में तत्व का भी मिलान करना चाहिए, हमने अच्छा तो कह दिया, तो अब क्यों इसलिए डबल अच्छा है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का मेष राशि अग्नि तत्व की है और वायु तत्व की होती है तुला राशि, तो वायु का हवा का और अग्नि का मधुर संबंध है, अग्नि और हवा के मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि हवा जब चलती है तो अग्नि बहुत तेज बढ़ती है, इसका मतलब है इनका विकास क्रम बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये मिलान भी ठीक है। अब वृश्चिक का और मेष का ये मिलान जो है, जबकि एक ही राशि के स्वामी हैं दोनों, फिर भी मिलान इसको प्रीति त्राटक बोलते हैं, लेकिन एक अग्नि तत्व का है, एक जल तत्व का है, मेष राशि अग्नि तत्व की होती है, जल तत्व का जो है तो वृश्चिक राशि होती है, तो अग्नि जल अग्नि को बुझा देता है, इसलिए ये मिलान अच्छा होकर के भी ठीक नहीं है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि का और मेष राशि का संबंध क्या है, दोनों अग्नि तत्व के हैं, इसलिए मिलान ठीक है, और नवम पंचम है, तो यहाँ भी वही बात है, लड़का अगर धनु राशि का है, लड़की मेष राशि की है, तो ये मिलान ठीक होगा, अन्यथा ये ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद मकर राशि आए, मकर राशि वालों का क्या है, मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का जो वो होता है ये मंगल, इसलिए मिलान ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि का और पृथ्वी का वैर होता है, हमेशा अग्नि जो है सो पृथ्वी को जला देती है, विस्फोट कर देती है, इसलिए भी ठीक नहीं है, और भकूट तो मिलता है, लेकिन ग्रह मैत्री इसकी जो है सो एक का स्वामी शनि है, एक का स्वामी मंगल है, ये ठीक नहीं का माना जा सकता, ये 70% का मिलान होता है। कुंभ राशि और मेष राशि, अब कुंभ और मेष का भी वही स्थिति है, कुंभ और मेष का भकूट जो है सो कुंभ मीन मेघ वृक, कुंभ मीन मेघ तीसरी राशि है, 3-11 भकूट अच्छा मिलता है, और एक का स्वामी शनि है और एक का स्वामी मंगल है, परम मित्र नहीं होते, परम शत्रु होते हैं, इसलिए ये मिलान भी ठीक, भकूट मिलने के पश्चात भी ठीक नहीं होता। और मेष राशि का मीन राशि से क्या संबंध है, ये मेष राशि से संबंध मेष राशि वालों को होता है, ये द्विद्वादशे तो दारिद्र्यम, कोई दरिद्रता का योग आता है, ग्रह मैत्री अवश्य है, लेकिन एक अग्नि जल तत्व की है, एक अग्नि तत्व के हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जल तत्व की मीन राशि होती है और मेष राशि अग्नि तत्व के होते हैं, ये मिलान भी ठीक नहीं है। कुल मिला करके मेष राशि वालों को जो अच्छे से अच्छा मिलान है, एक तुला से अच्छा होता है और कर्क राशि से अच्छा होता है और सिंह राशि से और धनु राशि से तब अच्छा होगा, कि लड़का अगर यदि सिंह राशि का है और लड़की अगर सिंह राशि की है और मेष राशि का लड़का है तो ठीक होगा, और वृश्चिक कन्या राशि धनु राशि का लड़का है और मेष राशि की लड़की तो ठीक होगा, बाकी ये ठीक नहीं होता, ये मध्यम कहा जाता है। कुल मिला करके आपका सबसे अच्छा मिलान कर्क राशि और तुला राशि वालों से सबसे मधुर संबंध रहेंगे, और इसका ध्यान रखना चाहिए, और कन्या राशि से हमेशा इनकी शत्रुता रहती है, कन्या राशि से कभी करना ही नहीं चाहिए, बस ये इस प्रकार से प्रत्येक राशि वालों का किससे क्या मधुर संबंध होते हैं, क्या अशुभ हो क्या नहीं होते, वो मैं आपको दर्शाया हूँ। तो आज जो है मेष राशि का मैंने लड़का या लड़की मेष राशि के उनका वर्णन किया है, कल वृषभ राशि से मिलान करूँगा, तो बारह राशियों का मिलान वृषभ राशियों से कैसा होता है वो कल मैं आपको करूँगा। आज के एपिसोड में इतना ही, बस है, मंगल करिए आप और हरिओम।